Hello everyone. I'm very happy to have with me Dr. Devendra Kumar. He has cleared his FMG exam with a score of 171. So Devendra, बहुत अच्छा लगा आपका स्कोर जानकर. Heartiest congratulations. आपको कैसा लग रहा है बच्चे? थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, अचानक से पता चला क्योंकि रिजल्ट थोड़ा एक दो दिन डिले हो गया, तो बस वही हाँ वेट ही जी, हाँ चल रहा जी. था और जब देखा तो बहुत अच्छा लगा मैम। चलो, हमें भी बहुत अच्छा लगा कि आपने अच्छा परफॉर्म किया है, और ये एक कॉन्फिडेंस बूस्टर भी है कि आगे की जर्नी भी हम अच्छे से निकाल पाएंगे, है ना? हाँ मैम, ये पेपर थोड़ा अच्छा था तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी है कि पीजी के लिए भी अच्छे से पढ़ पाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, जरूर, है ना. अच्छा, मुझे देवेंद्र, जैसे आपने बोला ये पेपर मुश्किल था, थोड़ा अलग था, तो आपकी प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी क्या थी, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताओगे? मैम मेरी प्रिपरेशन स्टडी ये थी कि मतलब मैं कंसाइज पढ़ता था, लेकिन यानी कि एमसीक्यू बहुत लगाता था कि अच्छा, जैसे, और मैं मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ता था एक दिन में, कि मुझे मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ना बहुत पसंद था। जैसे मान लो ओके, पीएसएम पढ़ लिया 3 घंटे, तो और फिर पीएसएम के थोड़े क्वेश्चन लगा लिए बाद में, यानी जॉब्स का नहीं पढ़ ली उसके 100 क्वेश्चन लगा लिए, तो ऐसे मतलब मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ता था और उनके यानी कि एमसीक्यू जरूर लगाता था। तो मेरा यही कहना है जो भी नेक्स्ट आएंगे कि एमसीक्यू आप जरूर जरूर लगाओ, क्योंकि आपको फाइनली एमसीक्यू करने हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही. कई बार ना बच्चे लिमिट करते हैं कि हम सिर्फ पीवाईक्यू ही करेंगे, तो मुझे लगता है जो हाँ आप इनफोर्स कर रहे हो कि टॉपिक के साथ एमसीक्यू कवर करते चलें, तो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव हो जाती है ना? हाँ जैसे आपको क्वेश्चन यानी कि इस बार क्या था मैम कि लैंग्वेज थी, जैसे मान लो कि आपसे अगर यानी कि ट्राइसोमी 21 पूछा था इस बार, वहां पे यानी कि डाउन सिंड्रोम लिखा ही नहीं था, तो बच्चे को सब आ हाँ रहा था जी, लेकिन वो तो यानी कि डाउन सिंड्रोम ढूंढ रहा था क्वेश्चन में, वहां पे तो यानी कि ट्राइसोमी 21 और बहुत कुछ लिखा हुआ था। तो बस यही है कि आप जब एमसीक्यू कर लेते हो ना, एक ही टॉपिक के 20 एमसीक्यू कर लेते हो, तो फिर आपको अगर ऑप्शन अगर अलग भी हो तो भी आप अच्छे से उसके ऊपर जाके क्लिक कर लेते हो। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप सही कह रहे हो कि अगर आप खाली एक ही प्रीवाईक्यू करोगे तो आपको सुपरफिशियल ही पता रहेगा, लेकिन अभी क्या है ना, एग्जाम हाँ थोड़ा डेप्थ में हो गया है, तो वो कुछ हाँ चीजों की और मैम पूरा लैंग्वेज डेप्थ. से खेलते हैं, बस पूरा पूरा लैंग्वेज से प्ले करते हैं कि बस क्वेश्चन वही रहेगा, ऑप्शन के अंदर अब क्या है कि थोड़ी बुक वाली लैंग्वेज करने लग गए, आपसे सिंपली कुछ नहीं पूछेंगे वो लोग। हाँ जी, हाँ जी. हाँ तो वही है कि और आपको थोड़ा सा मतलब एमसीक्यू करने पड़ेंगे, जैसे अगर डाउन सिंड्रोम है तो आपको डाउन सिंड्रोम के 2 एमसीक्यू नहीं जो प्रीवियस ईयर आ रखे हैं उसके 20 एमसीक्यू आपको करने पड़ेंगे, बस यही है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात बोली आपने. हाँ और उसके बाद क्या आप एनालिसिस भी करते थे देवेंदर, कि क्या आप कहाँ पे आप कम करेक्ट कर पा रहे हो, और कुछ आप लिस्ट बनाते थे कि ये मेरे थोड़े से वीक एरिया है, मैं इन पे काम करूं, कुछ ऐसा करते थे? एनालिसिस तो करता ही था, जैसे अगर ऑप्थल्मोलॉजी जैसे लगभग का वीक होता है, मेरा भी थोड़ा वीक ही था, तो मतलब मैं समझता था कि अब मुझे ऑप्थल्मोलॉजी में अगर यहाँ पे दिक्कत आ रही है तो इसको मतलब कैसे कंसाइज पढ़ना है, और पिछले 5 साल का देख लिया तो इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा जोर दे के चलना है, बस वही है। तो आप अच्छी जब बात. अपने आप देख लेते हो ना तो आपको पता चल जाता है कि मेरे को कहाँ पे ज्यादा जोर देना है और कहाँ पे कंसाइज पढ़ना है, और वही है, तो वो तो है ही। आप अगर देख लेते हो ना, यानी अपना ओवरव्यू देख लेते हो कि मेरा कितना सही जा रहा है कितना नहीं सही जा रहा है, और ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट का देख लिया आपने, फिजियोलॉजी को बच्चे छोड़ के चले जाते हैं और इस बार 12-13 क्वेश्चन आ गए, मतलब तो वही है ना, छोड़ के क्यों जाना, बिल्कुल, उसको थोड़ा कंसाइज पढ़ लो, मतलब अपने खुद के बहुत टॉपिक अच्छी, सिलेक्ट कर लो। हाँ तो बहुत मतलब अच्छी बात फिजियोलॉजी को भी की आपने. छोड़ना नहीं है। हाँ बस वही है, मतलब उसको छोड़ के पढ़ना है नहीं जरूर जाना, जरूर पढ़ना। बिल्कुल अच्छा कह रहे हो कि कुछ चीजों को आप डेप्थ में पढ़ो, कुछ और चीजें जो चाहे आपको पसंद ना भी हो या आपकी कमजोर हो, उनको कुछ लेवल तक तो जरूर पढ़ो, ताकि आप एटलीस्ट उसके कुछ एमसीक्यूज आंसर कर पाओ, क्योंकि देखो हमारे लिए तो एक एक एमसीक्यू भी इम्पोर्टेंट है ना? हाँ मैम बहुत और जरूरी है। रिविजन मैम कैसे करते थे देवेंदर, आप रिविजन कैसे करते थे बेटा? मेरा रिवीजन का ये था, जैसे आप यानी कि ऑप्शन का यानी देखना है तो मैंने यूट्यूब पे आपके वीडियो देख लिए, जैसे प्रीवियस ईयर के मैंने आपके सारे देखे हैं जो भी यूट्यूब पे पढ़े हैं, और मैंने डेम्स हाँ के यानी जी, कि एमसीक्यू लगाए हैं क्योंकि डेम्स के एमसीक्यू अच्छे होते हैं तो उससे भी अच्छी आदत पड़ती है मतलब। और मेरा ये मानना है कि आप एमसीक्यू करो, आपको जहां से भी यानी कि क्वालिटी के एमसीक्यू मिलते हैं वो पढ़ो, और जो कंसाइज वीडियो आपको जहां पे भी मिल जाए और अच्छी कोचिंग का मिल जाए तो वो तो फिर बात ही क्या है, तो आप कंसाइज पढ़ो और उसको मतलब थोड़ा सा डीप में लेके जाओ, मतलब आप टॉपिक सेलेक्ट कर लो और उनको डीप में पढ़ो थोड़ा, अब बात ये है, और उसके अलग अलग लैंग्वेज के एमसीक्यू करो, मेरा ये मानना है।
एक ही टॉपिक के कम से कम 20 एमसीक्यू तो करो ही करो। अब तक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के 20 एमसीक्यू करो अलग अलग लैंग्वेज में, बस तो ही सक्सेस है, नहीं तो अब मतलब वही है ना, लैंग्वेज से पूरा प्ले कर रहे हैं बस यही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। अच्छा मुझे बताओ कि ये जर्नी में बहुत बार ऐसा भी लगता होगा कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो आपने कैसे इंश्योर किया कि आप कंसिस्टेंट भी रहो, अपना फोकस भी बना के रहो, डिस्ट्रैक्टेड ना हो, तो कैसे करते थे? हाँ, मेरे से जैसे बहुत बड़ा हुआ था कि मेरा यानी कि अगस्त में मेरे फादर आर्मी में थे तो उनका थोड़ा डेथ वेथ हो गया था, तो मतलब बहुत ज्यादा उस यानी ट्रोमा में भी चला गया था। लेकिन उसके बाद में मैम वही है ना कि बस करना था कुछ कि बस अभी 31 अगस्त को उनको 1 साल होने वाला है, उससे पहले मैं डॉक्टर बन गया, बस यही है। तो बस मेरा ये था कि मुझे फर्स्ट टाइम में निकालना है किसी भी करके, तो बस यही है, मतलब बस जी जान लगाना है। और जैसे मैं सुबह लाइब्रेरी में 8 बजे जाता था तो मैं खाना खाने भी नहीं जाता था बीच में, मैं शाम को 8 बजे उठता था फिर, मतलब खाना खाने बाहर अगर चाय बिस्किट कर लिया तो कर लिया, नहीं तो सुबह जाता था, क्योंकि मैं सीकर एक छोटा सा शहर है राजस्थान में वहां पे रहता हूँ, तो मतलब वही है कि सुबह खाना खा के आ गए, दोपहर में बस हुआ तो हुआ, नहीं बस रात को जाके फिर खा लिया। तो भाई ये आपको थोड़ा सा डिटर्मिनेशन तो दिखाना पड़ेगा, उसके बिना तो वही है ना कि आप जैसे मान लो एंजॉय कर लिए, 2 घंटे पढ़ लिए, फिर 2 घंटे नहीं पढ़े, तो अभी तो वो वाला टाइम तो है नहीं ना। आई थिंक देवेंदर ये आपको अपने फादर से मिला है ये डिटर्मिनेशन, एंड मेरा सल्यूट है उनको, और आई एम श्योर कि आप भी बहुत अच्छा करोगे और अपने फादर की सारी ड्रीम्स, उनकी सारी चीजें सक्सेसफुली पूरी करोगे, है ना, और बहुत आगे भी जाओगे। तो अभी आपने बहुत मेहनत की है, मुझे समझ में आ रहा है, आप डिस्पाइट ऑल ऑड्स आप लगे रहे हो, और वो अपने आप में एक बहुत खास बात है, वो बहुत सारे लोग वो कर ही नहीं पाते, वो छोड़ देते हैं, तो ये एक आपकी जो ये खास बात है उसको प्रिजर्व करके रखो, वो बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है, और वो सक्सेस का मैं कहूंगी मेजर कंट्रीब्यूटर है ना, ये जो आपका एक निश्चय करना और उसपे दृढ़ रहना, उसपे आगे बढ़ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मैम हाँ, ये मेरा बस अगले जो भी एग्जाम वाले आ रहे हैं उनको बस यही कहना है कि आप कुछ ना कुछ सेलेक्ट कर लो आपको जहाँ से मोटिवेशन मिलता है, और बस उसको करने के लिए जब रात को सो या सुबह उठो तो बस उसको दिमाग में रखो, फिर आपकी पढ़ाई तो हो ही जाएगी, उसमें कोई नहीं है। और ऐसा कुछ होता नहीं है कि सब FMG एक जैसे ही होते हैं, मतलब और जो एग्जाम में बैठते हैं सब सेम ही होते हैं, जब यहाँ पे नीट में नहीं कमाए थे तो ही तो बाहर गए थे ना, तो सब सेम ही है। तो बस वही आपको पढ़ना पड़ेगा 8-9 घंटे, बस वही है, बाकी आपको मोटिवेट के लिए कुछ एक चीज सेलेक्ट करनी है और उसके ऊपर टिके रहना है, बस उसको सुबह शाम सोचना है तो निकल ही जाएगा वो तो। मगर देवेंदर हम मेहनत कर हम अपना लेवल बढ़ा रहे हैं ना, तो आप मेहनत कर रहे हो, आप जहाँ अब जो पहले हुआ उसको भूलने की जरूरत है, और अब आप जहाँ हो वो याद करने की जरूरत है, आप मेहनत कर रहे हो, यू आर इम्प्रूविंग योर सेल्फ हर दिन के साथ, आप एक बेहतर और बेहतर इंसान, डॉक्टर सब बनने की कोशिश कर रहे हो, और वही सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना। तो मुझे लगता है कि अब हम ये भूलते हैं कि हम बाहर गए थे पढ़ने, अब हम ये याद रखते हैं कि हम में बहुत कैपेबिलिटी है, हम बहुत आगे जाएंगे, और इस अपने माइंडसेट को कंटिन्यू रखेंगे, नीट PG भी अच्छा देंगे, है ना, रुकना नहीं है। ओके मैम, यस है ना, और कभी भी और अगर आपको हमारी कभी भी जरूरत हो किसी भी फॉर्म में, आप प्लीज हमें रीच आउट करें, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प। अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो प्लीज जरूर खुले दिल से जरूर आप। ओके मैम, थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू। ओके मैम, थैंक यू।